नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास में जो है Xiaomi का Redmi 7 है। आज कंपनी ने Y3 के साथ में Redmi Y3 के साथ में ही Redmi 7 को भी लॉन्च किया है। यह जो फ़ोन है वो Redmi 6 जो पिछले साल लॉन्च किया गया था उसी का अपग्रेड वर्जन है। तो चलिए देखते हैं कितना अपग्रेड है, लेकिन उससे पहले हम इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग ज़रा देख लेते हैं। जैसा कि Xiaomi ने पहले ही बताया कि उनके फ़ोन जो हैं वो मेड इन इंडिया होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेड इन इंडिया का यहाँ जो है आपको लोगो साफ नज़र आएगा। इसके अलावा 3GB रैम और 32GB मेमोरी का जिक्र जो है वो डब्बे पे ही किया गया है। तो चलिए अच्छी बात है, ये हम जान जाते हैं, देखते हैं कैसा है ये फ़ोन। तो हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे पास में जो है बॉक्स कंटेंट देख लें। तो एक मिलता है हमें मैनुअल, साइड रखते जाते हैं एक चीज़ को। इसके साथ में जो है एक सिलिकॉन कवर है ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर का एक सिलिकॉन कवर दिया गया है। यहाँ पे जो है इसे जब हम खोलते हैं तो सिम इजेक्शन टूल, क्या आप देखेंगे सिम इजेक्शन टूल जो है वो दिया गया है। ये रहा हमारे पास ब्लैक और रेड कलर से बना हुआ फ़ोन है। बॉक्स के साथ में आप देख सकते हैं कि जो है केबल दिया गया है, यूएसबी केबल है, यूएसबी 2.0 केबल दिया गया है। इसके अलावा पावर अडाप्टर आपको मिलेगा और ईयरफोन वगैरह तो जो है वो नहीं है। तो चलिए बॉक्स कंटेंट को हम साइड करते हैं। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग हो चुका है, अब चलिए हम देखते हैं इस फ़ोन का फर्स्ट इम्प्रेशन। हमारा यह फ़ोन सेटअप हो चुका है और चलिए हम देखते हैं कैसा है यह फ़ोन। तो आपको बता दूं कि बैक पैनल में जो है पॉलीकार्बोनेट की बॉडी है, लेकिन जो फिनिशिंग है वो ग्लास की है, इस वजह से काफ़ी चमकीला है। उंगलियों के निशान तो थोड़े पड़ते हैं, लेकिन ब्लैक और रेड का यह कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, नया थोड़ा सा तरीका है। और लेकिन ब्लैक और रेड का जो ये कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा लगता है और इस प्राइस रेंज में बहुत कम ही फ़ोन में ऐसा देखने को मिलता है। वहीं हम फ्रंट पे बात करते हैं, कंपनी ने इसे 6.26 इंच की HD प्लस डिस्प्ले के साथ पेश किया है और फ़ोन में जो है वो 2.5D कर्व ग्लास दिया गया है। और सबसे अच्छी जो बात कही जा सकती है कि कंपनी ने इसे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दिया है, जिसकी वजह से आपको स्क्रैच वगैरह जो है कम देखने को मिलेंगे। हम डिज़ाइन की और बातें करते हैं, तो यह जो पैनल है यह कर्व है थोड़ा, इस वजह से जो है वो अच्छा ग्रिप देता है। और फ़ोन जो है हालांकि एक हाथ, अगर हाथ हथेली जो है वो साधारण है तो एक हाथ से यूज़ करने में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, क्योंकि एंड टू एंड आप जो है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। वहीं हम दूसरे साइड की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं ऊपरी पैनल में जो है वो 3.5mm ऑडियो जैक और साथ में जो है IR ब्लास्टर इंफ्रारेड पोर्ट जो है वो दिया गया है, यानी कि आप अपने फ़ोन से जो है वो TV, AC सहित दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है निचले पैनल में जो है आपको मिलेगा लाउड स्पीकर ग्रिल और USB माइक्रो USB 2.0 पोर्ट। हालांकि इस रेंज में जो है वो USB टाइप सी मिलता तो ज़्यादा बेहतर कहा जाता, एक नई शुरुआत कही जाती, लेकिन माइक्रो USB 2.0 भी जो है वो ठीक कहा जाएगा, कोई नुकसान इसमें नहीं है या कोई बहुत बड़ी कमी हम नहीं कह सकते हैं। जब रही बात सिम स्लॉट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सिम स्लॉट दिया गया है। जब हम सिम को ओपन करते हैं तो हम देखेंगे इस फ़ोन में जो है वो डुअल सिम के साथ में जो है वो माइक्रो USB स्लॉट मिलेगा, यानी कि आप जो है 3 स्लॉट दिया गया है और आप जो है 2 सिम के साथ में एक माइक्रो SD कार्ड का जो है यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो डिज़ाइन में हमें जो है प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा लगा। नॉच आप देख सकते हैं, नॉच पे सेल्फी दिया गया है और ऊपर जो है वो आपको ईयर पीस मिलेगा। कुल मिलाकर डिज़ाइन जो है हमें इम्प्रेस करता है इस प्राइस रेंज में। रही बात दूसरे फीचर्स की, तो कंपनी ने जो है इसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 चिपसेट पे पेश किया है। तो ज़रा देख लें कि अंदर में हमें और क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि 3GB की रैम मेमोरी है, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और 1.1GHz का जो है ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। फ़ोन के दूसरे इन्फॉर्मेशन की ओर हम ध्यान दें तो इसमें जो है आपको एंड्रॉयड 9 पाई मिलेगा, लेकिन उसके साथ में जो है MIUI 10.2 की लेयरिंग दी गई है। और MIUI की खासियत ये जो है कि आपको होम पैनल पे ही जो है आपको वो मेन्यूज़ जो है कहते हैं कि ऐप्स जो है वो मिल जाएंगे।
कुल मिलाकर देख सकते हैं कि MIUI 9 जो है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्मूथ हो गया पहले की अपेक्षा। हाँ, कैमरे की बात करें तो पिछले पैनल में जो है आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। कंपनी ने 5 पीस लेंसेज का यूज़ किया है और f2.2 अपर्चर दिया है इस फ़ोन के साथ में। और जो हम फ्रंट की ओर रुख करते हैं तो आपको जो है 8 मेगापिक्सल का नॉच पे जो है कैमरा देख सकते हैं, वो 8 मेगापिक्सल का है। आपको फ्रंट कैमरे के साथ में AI ब्यूटी मोड जो है वो मिल जाएगा। और हम दूसरे कनेक्टिविटी की ओर जाते हैं तो इस फ़ोन में जो है वाईफाई और ब्लूटूथ के साथ में जो है आपको IR ब्लास्टर, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, IR ब्लास्टर जो है वो देखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट कैप्चर के लिए आप यहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह भी दिए गए हैं, एरोप्लेन मोड और इन सब चीज़ों को आप जो है वो देख सकते हैं, जो MIUI 9 में हम अक्सर यहाँ पे या साधारण एंड्रॉयड फ़ोन में भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। रही बात बैटरी की, तो इस फ़ोन को जो है कंपनी ने 4000 mAh की बैटरी के साथ में पेश किया है। तो कंपनी के Xiaomi के जो फ़ोन है पहले भी बड़ी बैटरी के साथ आए हुए हैं, तो 4000 बैटरी जो है वो कुछ नया नहीं है, लेकिन अच्छा ज़रूर है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं Redmi का जो यह 7 वेरिएंट है, Redmi 7 जो वेरिएंट है आपको काफ़ी इम्प्रेस करेगा और बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छा फ़ोन कहा जाएगा।